तो लास्ट क्लास हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही डिसाइड किया था, जिसमें हम क्या बताया था, हम लोग जस्ट क्विक रिवीजन से बता रहे हैं। तो ये हो गया लीनियर पॉलीनोमियल। अगर लीनियर पॉलीनोमियल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में कहीं भी नहीं काट रहा है। अगर ये ऐसे पास हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या, वन है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट में काट रहा है। याद रखना, बहुत लोग जल्दबाजी में इसको भी काउंट कर लेता है, पर हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ एक्स एक्सिस में कहां काट रहा है उससे मतलब है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का कुछ ऐसा दिखता है ग्राफ, अगर ऐसे काट रहा है मतलब सिर्फ एक पॉइंट में, ऐसे काट रहा है मतलब सिर्फ दो पॉइंट में, और अगर ऐसे है मतलब कहीं भी नहीं काट रहा, मतलब जीरो पॉइंट में। सिमिलरली क्यूबिक, क्यूबिक का भी था, तो हमको यहां से पता चला कि अगर किसी पॉलीनोमियल का डिग्री एन है, ये हम नोट में लिखाया था, तो उसका एटमोस्ट सॉरी उसका मैक्सिमम एन जीरो सी होगा, एन से कम भी हो सकता है। जैसे अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो उसका मैक्सिमम थ्री जीरो होगा, मतलब या तो थ्री हो सकता है, या तो टू जीरो हो सकता है, या तो वन जीरो, या तो जीरो जीरो। कोई डाउट, आगे बढ़े? हाँ, इतना तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ सकता ना? हाँ सर। अब एक और चीज देखो, हम बोलिए नोट, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, ये क्लास नाइन में बताया हुआ है, इस टाइप का एमसीक्यू आया हुआ है, कैन नॉट बी फ्रैक्शन और नेगेटिव। जैसे कि एक्स पावर हाफ इज नॉट ए पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है, एक्स पावर हाफ मतलब रूट एक्स ही होता है, तो रूट एक्स इज नॉट ए पॉलीनोमियल, कोई डाउट? या एक्स पावर माइनस वन, जिसको हम वन बाई एक्स भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलीनोमियल। तो ये नोट कर लो, नेक्स्ट पार्ट यहीं से शुरू होगा, बता लो। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी पॉलीनोमियल का डिग्री कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई डाउट? देखिए कोई अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना रे। अच्छा सब लोग आया ना आज, हम चेक ही नहीं किया, सब आया नहीं अभी तक। ये सर प्राची, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है आया, वो याद ही नहीं था कौन कौन है, कौन कौन है। कुशल कब से आएगा पता नहीं, वो तो राजस्थान में घूम रहा है अभी। लिख लिया सब लोग? कृष्णा ठीक है, अब एमसीक्यू देखो एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीनोमियल इज नॉट ए पॉलीनोमियल। ए बताते जाओ, नंबर ए है यानी जहां होगा हम टिक कर लेगा, तुम लोग भी टिक करते जाना। इतना काफी है, देखो क्या नंबर ए पॉलीनोमियल है। तुम टिक कर रहा है, जो जो पॉलीनोमियल है हम उसी को टिक कर रहा है। क्या नंबर बी है?
क्या नंबर बी है? नहीं है, बिकॉज वन बाई एक्स मतलब एक्स पावर माइनस वन, सो पावर नेगेटिव हो गया। जस्टिफाई बोलेगा तो ये लिखना जो पावर नेगेटिव है, तो ये नहीं है। क्या नंबर सी है? नहीं है, रूट एक्स है। रूट एक्स मतलब क्या होता है? एक्स पावर हाफ, तो पावर फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी नहीं है। क्या नंबर डी है? कौन बोल रहा है डी नहीं है, और कौन बोल रहा है डी हाँ है? कृष्णा है या नहीं? कृष्णा ये पॉलिनोमियल है या नहीं नंबर डी? ठीक, कृष्णा के अकॉर्डिंग नहीं है। रजनी, कृतार्थी, और हर्ष है, क्योंकि रूट टू में रूट है, टू में रूट है, हमको कोफिशिएंट से थोड़ी मतलब है, हमको एक्स से मतलब है। यहाँ एक्स का पावर टू है, यहाँ एक्स का पावर वन है, तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है। हमको कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, कोफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। ठीक है कृष्णा, तो नंबर डी भी पॉलिनोमियल है और नंबर ई डेफिनेटली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर वन बाई थ्री है। कोई डाउट उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आओ। ठीक है, साइन ऑफ कोफिशिएंट्स, ये साइन ऑफ कोफिशिएंट्स दोबारा चैप्टर फोर में आएगा। हाँ, पहले साइन ऑफ ए में आता हम लोग। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला होता है ओपन अपवर्ड, मतलब कुछ इस तरह के, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड। और इफ ए लेस देन जीरो होता है तो पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखता है, अप एंड डाउनवर्ड। गुड आउट, साइन कन्वेंशन याद रखना, एग्जाम में काम आता है, एमसीक्यू में। इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन अप एंड अपवर्ड, इफ ए लेस देन जीरो देन अप एंड डाउनवर्ड। यानी कि ऊपर का तरफ ओपन है तो ए ग्रेटर देन जीरो है। ऑब्वियसली ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है। तो या तो ए पॉजिटिव होगा या तो ए नेगेटिव होगा। तो अगर ए पॉजिटिव है
टॉप एंड अपवर्ड बनेगा ग्राफ, और ये नेगेटिव है तो अप एंड डाउनवर्ड बनेगा। कोई डाउट? क्लियर? ध्यान रहेगा ये चीज, ये ज्यादातर सीबीएसई में एमसीक्यूज में डालता है इस टाइप का क्वेश्चन, डालता ही है। बाकी बी और सी का साइन या इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग चैप्टर फोर में देखेगा। जब तक हम लोग को बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा ना तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं साइन वाला पार्ट को। खाली ए का कॉन्सेप्ट में ध्यान रखो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो अप एंड अपवर्ड, ए लेस देन जीरो है तो अप एंड डाउनवर्ड। खत्म। ये था मेरा कॉन्सेप्ट जो हमको देना था यहाँ तक। इस कॉन्सेप्ट का कोई डाउट है तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालता है, क्या है, कोई भी डाउट में? क्या आगे बढ़े? ये उतारना नहीं है, जस्ट बुक में देखे हमको बताना। हम नाम बोलेगा सबको बताना। पहले किसने बताओ, पहला ग्राफ में कितना जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस? पहला ग्राफ में कितना जीरोस है? कृष्णा, हेलो कृष्णा, बताओ पहला ग्राफ में कितना जीरो है? इतना टाइम लगाने से थोड़ी चलेगा। कौन बता सकेगा? बताओ कार्तिक भाई, एक है, कितना टाइम क्यों लगा रहा बताने में? बस यही चेक करना है एक्स एक्सिस में कितना बार काट रहा है, जितना बार एक्स एक्सिस में काटेगा उतना बार। रजिन बताओ नंबर टू वाला फिगर में कितना जीरो है? टू। ओके कीर्तार्थी, नंबर थ्री ग्राफ में? थ्री। हर्ष, नंबर फोर ग्राफ में? वन। और कौन बचा? केसर, नंबर फाइव ग्राफ में? कार्तिक, नंबर सिक्स ग्राफ में? बताओ। वन टू थ्री फोर। निशु ये मत सुना, तुम बच गया है, तुमको ही पूछेगा, रुक जाओ, आ जाओ एक्सरसाइज में। बताओ निशु, नंबर वन का वन कितना जीरोस? कैसे वन? हम बोला जीरोस कब होगा, जब एक्स एक्सिस में काटेगा। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस में काट रहा है? नहीं। तो फिर जीरो, इसका नंबर ऑफ जीरोस जीरो है। ठीक है, नंबर टू में बताओ कितना जीरोस होगा? इसमें टू क्यों? नहीं, वन होगा। एक्स एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में नहीं। ये गलती मत करना, बहुत स्टोन जल्दबाजी में ये गलती करता है। खाली एक्स एक्सिस में देखना है, वन जीरो। कार्तिक बताओ नंबर थ्री वाला में? कितना जीरो? कार्तिक, कोई बात नहीं, आगे बता। केसर बता दो, हाँ आवाज आ रही है तो बोलो कितना जीरो नंबर थ्री में? बताओ करते कितना जीरो इसमें? जीरो। हाँ नंबर तीन में? तीन। वेरी गुड। हर्ष बताओ नंबर फोर में? दो होगा। केसर नंबर फाइव में? नंबर सिक्स में? कौन बता सकेगा, जिसको आता पहले बता दो। थ्री। वेरी गुड। एक टू तीन, वेरी गुड। जिसको लगता उतारना उतार लो, जिसको नहीं लगता नहीं उतारने से भी चलेगा, बिकॉज ये एमसीक्यू पर्पस का है। उतारो ना, बुक में उतारो ना, क्या उतारेगा यहाँ लिख लो नंबर जीरो
वन थ्री टू वन टू थ्री फोर थ्री, ये उतार के रख दो खत्म फटाफट। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हम लोगों का, गुड आउट। क्या हम आगे बढ़ सकता है? चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस बार स्टैंडर्ड वाला भी लिखी था जो वहां से 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया था। इस बार यूजुअली स्टैंडर्ड में उस टाइप का क्वेश्चन कम ही डालता है, किसी किसी सेट में डालता है, तो इस बार लकी था आसाम वाला स्टूडेंट्स। अच्छा लगा देखिए पेपर निकाल के दिखा रहे। आई थिंक व्हाइट बोर्ड आ गया ना सबका। हेडिंग दो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहले हम लीनियर पॉलीनोमियल से स्टार्ट करता है। इसमें कैसा दिखता है लीनियर पॉलीनोमियल? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और हमेशा याद रखना ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखना मैंडेटरी है। अगर तुम नहीं लिख रहा तो तुम्हारा आंसर ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत, ये एक्सप्रेशन गलत है। सो ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखना मैंडेटरी है। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, if px equal to 0 implies ax plus b equal to 0 implies ax equal to minus b implies x equal to minus b by a। तो तुम देख सकते हो हम indirectly 0 find किया, पर यही मेरा relationship between 0 and coefficient है। जहां पे मेरा x 0 है और ये दो क्या है, coefficient है। देखो where a is the coefficient of x, b is the constant term। तो in case of linear polynomial, x equal to minus b by a, यही मेरा क्या है, relation है। यानी कि जो जीरो निकाला वही relation है और कुछ नहीं। तो ये तो एकदम सिंपल है, पर in case of quadratic वो ज्यादा बेहतर है समझना। देखो मान लो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल जीरो, ठीक है। और हम मान लेते हैं इसका तो जो दो जीरो है वो अल्फा एंड बीटा है, क्योंकि हमको मालूम है अगर पावर 2 है तो इसका मैक्सिमम 2 जीरो हो सकता है, तो इसको हम नाम देते हैं अल्फा। प्रोनाउंसिएशन अल्फा और बीटा का बी ई टी है। बीटा लिखने का तरीका ऐसा है, ऐसे करते और अल्फा कुछ इस तरह से। तो मान के चल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। अभी अल्फा बीटा बहुत कॉमनली यूज्ड होगा, तो क्वाड्रिक पॉलीनोमियल का अगर दो जीरोस है तो हम लोग मान के चल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। डन, कोई डाउट? क्लियर? तो पहले तब तक उतार लो ऊपर वाला, ये उतार लो तब तक, फिर आगे बढ़ेगा। होते ही हमको बोलना माइनस बी और मतलब बी और ए कोएफिशिएंट है। बी जैसे कांस्टेंट टर्म हो गया और ए मेरा एक्स का कोएफिशिएंट हो गया, और इधर इक्वल टू एक्स जो कि जीरो है, तो ये हो गया ना रिलेशन, जीरो और कोएफिशिएंट एक दूसरे से रिलेटेड है। पर ये बहुत सिंपल फॉर्म में है, क्यों? ये एक्स का वैल्यू ही निकल गया, आंसर ही निकल गया मेरा। पर इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक थोड़ा सा अलग फॉर्म में आएगा, बताता है। एग्जाम्पल के साथ बता देगा क्वाड्रेटिक में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होते हैं हमको बोलना सब लोग। सारा टाइप का क्वेश्चन सब कवर कर देगा, बस प्रैक्टिस तुम लोगों को करना है। अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किया एग्जाम में पेपर फाड़ इजी आएगा, वो टेंशन मत लो। प्रैक्टिस तुम लोगों को करना है, और हाँ सीबीएसई को पर्टिकुलरली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी करना है। मेरे पास पीडीएफ है,
पर किसी को खरीदने का इरादा है तो खरीद सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, हम पीडीएफ फॉरवर्ड करेगा, और कोई चाहता तो खरीद सकता है, अदरवाइज पीडीएफ से भी पढ़ सकता है, नॉट ए बिग इशू, पर तुम लोग को सॉल्व करना है, हम पीडीएफ भेजते रहेगा टाइम टू टाइम, पर किसी को खरीदने का इरादा खरीद सकता है, ज्यादा प्राइस नहीं होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, अगर दुकान में जाता है ये बोलना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स चाहिए, पर्टिकुलरली मैथ्स और साइंस का खरीदो, खरीदना तो मैथ्स स्पेशली। अब बेसिक मैथ्स के लिए यूजली हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और एनसीईआरटी काफी है, एकदम काफी है। हो गया, लिख लिया सब लोग? आगे बढ़े, चलो इसमें देखो, इसमें रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस पी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाय, ये रिलेशन है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई, यही रिलेशन है। देखो राइट हैंड साइड में जीरोस है, लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट है, राइट हैंड साइड में जीरोस है, लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और इससे रिलेटेड ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम ये फॉर्मूला याद रहेगा, हालांकि इजी याद हो जाता है, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कैसे ट्रू वो हम बताता है, एक बेस्ट एग्जांपल लेता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। क्लास नाइन में मिडिल टर्म सिखा था, आता है ना मिडिल टर्म? चलो पहले देखते हैं किस किस को आता है। इफ पी एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, फटाफट इसका मिडिल टर्म करके बताओ क्या आएगा, ब्रैकेट में फैक्टर्स निकालो इसका, किस किस को मिडिल टर्म आता करो, अनु बताओ क्या आएगा, और किसी को नहीं आता तो हमको बोलना, हम सिखा देगा दोबारा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, हम सिखा देगा, पहले किस जिस चीज को आता कर लेने में, लगभग मिडिल टर्म स्किप करके आगे बढ़ेगा, फिर जब जीरोस निकालना सिखाएगा तब बता देगा कैसे निकालता है। क्या आएगा ब्रैकेट में? लाइक x ब्रैकेट में x माइनस सिक्स। क्या बोल रहा है, x माइनस टू इनटू x माइनस थ्री नहीं आया? आया हम करके बता दे जरूर, पहले क्या कहता हम लोग c into a, यहाँ पे a का जगह 1 है तो 6 बन जा 6, अब इसको ब्रेक करता है 1 into 6 2 into 3 और तो पॉसिबल है ही नहीं, जितना भी पॉसिबिलिटीज होता है उसमें ब्रेक करता है। अब बस तुमको ये देखना है इसमें प्लस या माइनस करके 5 आ रहा है, तुम देख सकता है क्या 2 प्लस 3 5 आ रहा है, तो बस वही करेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अब यहां से x कॉमन लो क्या बचेगा x माइनस 2, यहां से 3 कॉमन लो
क्या बचेगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब तो x माइनस टू बाहर आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा सिर्फ x माइनस थ्री, ये आ गया। अब तुम लोग ये भी बोल सकता रहा, भैया देखो 6 माइनस वन भी तो 5 हो रहा है, हम लेके दिखाता है 6 माइनस वन 5 में क्या होता है, कभी कभी हो जाता है सर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x प्लस 6 इक्वल जीरो, तो हम 5x का जगह ये लिख दिया 6 माइनस वन। पर तुम देख सकते हैं जब यहाँ x कॉमन लेगा ये x प्लस 6 बचेगा, पर जब यहाँ माइनस 1 कॉमन लेगा ये x माइनस 6 बचेगा। तुम यहाँ पे ये पार्ट कॉमन नहीं ले पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इस वजह से हम लोग ये वाला नहीं ले रहे। क्लियर? जिसको क्लियर नहीं है रुक जाओ, हम दोबारा जब मिडिल टर्म करवाएगा तब डिटेल में समझा देगा वापस से। एक बार आगे बढ़ता है, तो यहां से क्या मिलेगा, इधर क्या तो x माइनस टू को जीरो होना पड़ेगा और x माइनस थ्री को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर जीरो आ रहा है तो फिर सब आता है, या तो a जीरो होने से जीरो आएगा या तो b जीरो होने से जीरो आएगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। तब वही लिखा, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, यहां से मिल गया x इक्वल टू x इक्वल थ्री। और तुम देख सकते हमको मेरा दो जीरोस मिल गया, जिसमें से एक को हम अल्फा मान लेता है दूसरा को बीटा मान लेता है। कोई डाउट? मान सकता है? अच्छा, अब यहाँ पे तुम ये बता सकेगा ए बी सी क्या है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस 5, सी का वैल्यू 6 है। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग मैच करवा के दिखाते हैं। पहला तो हम लोग अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस। देखो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, इधर निकाल लेता अल्फा इंटू बीटा विच इज 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब कोफिशिएंट निकालता, देखो माइनस बी बाई माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1, तुम देख सकते हो ये 5 आ रहा है। और सी बाई ए, देखो सी का वैल्यू 6 था, ए का वैल्यू 1 था, ये 6, और तुम देख सकते हो इक्वल आ रहा है, आ रहा है इक्वल। तो ये हो गया मेरा वेरिफिकेशन, जे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ये सही है, या फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ये भी सही है। तो ये मेरा मेन रिलेशन है जो तुमको याद रखना है, और एग्जाम में भी ये 3 मार्क का आता है, 2 या 3 मार्क का, ये वेरीफाई करने के लिए। तो मेन मुद्दा तुमको ये याद रखना है। अब कहां से नोट करना है, एक बार नोट कर लो वेरिफिकेशन के साथ ही। कहां से नोट करना, ऊपर से क्वाड्रेटिक से पूरा कर। yes, फिर मिडिल टर्म दिखाता है एक बार, जिसको नहीं आता एक बार देख लेना, कोई बड़ा बात नहीं है। सॉरी होते ही बोलना, हम स्क्रॉल डाउन कर देगा। भैया नीचे
थोड़ा सा नीचे करिए ना। ठीक है, जब ऊपर वाला देखना था, ऊपर वाला मतलब हाँ बस अच्छा हो गया हो गया। नेसू ठीक है ना? हाँ हाँ भैया सेवा में भी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो फाइंड द चिल्ड्रन वेरीफाई, और थर्ड एक्सरसाइज जो सीबीएसई में नहीं है पर सेवा में है, क्योंकि अब तक सेवा का सिलेबस आया नहीं है पर होना चाहिए, लास्ट ईयर भी था तो वो भी करवा देगा हम। तुम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा हम नेक्स्ट वीक में करवा देगा। जब नीचे करना होगा मुल्ला हम कर देगा। आज इसके बाद क्या है, मैथ साइंस या सोशल, या सोशल सेवा या सीबीएसई? सीबीएसई ओके, हमने कुछ स्टार्ट किया था, सिविक्स करना था। आज सिविक्स करने वाला था, पावर शेयरिंग ना कर लेगा आज। इजी, बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे का। इसमें ये ना तीनों सब्जेक्ट हम अकेला संभाल रहे ना, इसलिए हमारा मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता था थोड़ा, पर हम खुद इसलिए पढ़ाता है बिकॉज हमको पढ़ाना अच्छा लगता है। अभी हम किसी और को पकड़ा देगा तो हमको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, जो हमको ऐसा रहेगा जो क्या पढ़ा रहा होगा, कैसे पढ़ा रहा होगा। स्कूल थी जी स्कूल ये जस्ट इनफॉर्मल वे था, ये एक एग्जांपल है, फॉर्मली कैसे लिखना बताएगा वेरिफिकेशन वाला पार्ट, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है इनफॉर्मल वे। आगे बढ़े, हो गया सबका? यस सर। चलो पहले मिडिल टर्म सीखते हैं कि मिडिल टर्म से जीरोस निकालना आना चाहिए। स्टार्ट करें करें ना, सब लिख लिया ना? देखो मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल 0 है, तो सबसे पहले क्या करेगा हम लोग, पहले सी इंटू ए करेगा, तो पहले सी इंटू ए करके देखो, फिर इसी को ब्रेक करना है, जैसे कि एग्जाम्पल 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होगा इसको करना, सी इंटू ए, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। अब बस इस 6 का फैक्टर्स निकालो, क्या होता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, और कुछ नहीं है, बस ये दो ही है इसमें। अब बस हमको यही चेक करना है जिनमें से किसको प्लस या माइनस करने से हमको ये मिल रहा है 5x। तुम ऑब्जर्व करेगा बहुत आसानी से 2 प्लस 3 5 हो रहा है, इसलिए हम देखो 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 लिख रहा है। हमको जैसे 5x को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेगा, जैसे इसमें देखेगा कि किसको प्लस या माइनस करने से ये 5x बन रहा है, कोई डाउट?
ठीक है। हाँ सर। हम एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू, तो पहले क्या करेगा, सी इंटू ए क्या होता है बताओ, कितना होता है 12। अब इसको ब्रेक करता है, 1 इंटू 12 होगा, 2 इंटू 6 होगा, 3 इंटू 4 होगा। अब दोबारा तो बोल सकता सर 4 इंटू 3 भी हो सकता, पर वो तो रिपीट हो गया, तो मतलब खत्म, यहीं तक जाना है। ओके अब सेकेंड थिंग देखो, देखो प्रैक्टिस करते करते पता है तुम लोग को इतना निकालना ही नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली तुमको पता चल जाएगा। देखो 4 माइनस 3 1 हो रहा है, तुमको पता ही चल जाएगा। 6 क्यों, 6 माइनस 2 तो 4 होता है, ये 1x है ना। हाँ, 4 माइनस 3 तुमको पता चल गया, प्लस या माइनस करके 1 लाना है, तो ये दो तो नहीं है। अब एक चीज, 1 का ये क्या प्लस है या माइनस, माइनस, तुम 4 माइनस 3 करेगा या 3 माइनस 4 करेगा, 4 माइनस 3 क्यों, हमको माइनस 1 चाहिए ना, 4 माइनस 3 तो 1 होता है, 3 माइनस 4 ही माइनस 1 होता है, समझा ना क्या कर रहे हैं हम रिपीट कर देते हैं। 1 के लिए तुमको पता चल गया जो 4 माइनस 3 हो रहा है, बट एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए, माइनस 1, तुम 4 माइनस 3 का जगह 3 माइनस 4 करेगा, एंड हेंस हम क्या लिखेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x, कोई डाउट, माइनस 4 इक्वल 0। अब तुम देख सकते हैं यहाँ 3x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 1, यहाँ माइनस 4 कॉमन आ रहा है बचेगा x प्लस 1, फिर देखो x प्लस 1 बाहर आ गया तो अंदर बचा 3x और ये माइनस 4 इक्वल 0, तो सेम कहानी इधर x प्लस 1 इक्वल 0 और 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो ये चीज क्लास 9 में मिला था, ऐसा नहीं मिला, तो x यहाँ से हुआ 4/3, ये तुम्हारा 0 से, एक बार देखो तो कोई डाउट है क्या इसका मिडिल टर्म में, क्या सबको मिडिल टर्म क्लियर है, एक तो और एग्जांपल देख लेगा अभी। क्या मिडिल टर्म क्लियर है, उतार लो साथ साथ उतार लो, ये स्टार्ट है के कार्तिक निशु ठीक है, चलो एक एग्जांपल कर लो पहले, फटाफट उतारो फिर एग्जांपल देता हूं। देखो क्वेश्चन लिखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द जीरोस, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, डिटेल नहीं उताना, फाइंड द जीरोस मत लिखो, सीधा सॉल्व करके बताओ कैसे होगा आंसर, ये जस्ट रफ है, हाँ एग्जाम में ये फॉर्मेट नहीं है, एग्जाम में वही है लेट पी एक्स इक्वल टू वैसे करके जो हम लोग एक्सरसाइज में करने वाला है, ये जस्ट एक मिडिल टर्म सीख रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज कैसे करेगा ये करके बताओ, और बताओ क्या आएगा जीरो, पहले हमको बताना फैक्टर्स क्या आता है ब्रैकेट में, इसको नहीं हो रहा हमको दोबारा बोलना, हो सकेगा तो हम अलग से क्लास लेकर करवा देगा, बिकॉज यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मिडिल टर्म का हम एक 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास ले लेगा जिस चीज को नहीं आ रहा है।
पहला क्या करेगा रजनीन? पहला स्टेप क्या है? हेलो रजनी, हाँ सर, पहला स्टेप क्या है सर? ये वाला कैसे होगा? टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन, तो टू और सेवन का ये मल्टीप्लाई, तो टू सेवन का क्या होता है? फोर्टीन। फोर्टीन, अब फोर्टीन को ब्रेक करो, तो स्टार्टिंग वन से कट, हम एकदम बेसिक से जा रहा है, करते करते हो जाएगा तुम्हारा फास्ट। पहले वन इंटू फोर्टीन लिखेगा, हाँ। सेकंड में टू इंटू सेवन लिखेगा, क्या उसके बाद और कोई है ऑप्शन, कोई फैक्टर है? नहीं। तो बस देखो किसमें प्लस या माइनस करने से फाइव या माइनस फाइव आता है। देखो ठीक है, सबको ठीक है? सही है, तो माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स लिखो या टू एक्स माइनस सेवन एक्स लिखो, तुम्हारा चॉइस है, दोनों सही है, एक ही बात है, कम्यूटेटिव है ये। किस किस का नहीं हुआ बताओ? पहले सेवन टू जा फोर्टीन, और देखो ऐसा जरूरी नहीं जी तुम सेवन टू जा फोर्टीन लिखो ही, जब तुम सेवन टू जा किया और तुमको दिखी गया जी सेवन माइनस टू फाइव हो रहा है, तो करो ना डायरेक्ट, कौन तुमको ब्रेक करने दे रहा है, समझ रहा है? तुमको वो सेवन टू जा वन फोर्टीन जा उतारना जरूरी नहीं, वो तुम रफली बता रहा है। तो टू एक्स स्क्वायर, अब देखो हमको मालूम है सेवन माइनस टू फाइव होता है, पर हमको क्या चाहिए, प्लस फाइव या माइनस फाइव? माइनस फाइव, तो क्या करेगा, टू माइनस सेवन यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन इक्वल जीरो। अब हर्ष क्या बोला, हर्ष ऐसे बोला सेवन एक्स माइनस टू एक्स लिखा, सॉरी माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, जैसे भी लिखो, बड़ा साइन माइनस है इसलिए माइनस फाइव बना, वही कहानी। अब देखो टू एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस वन, माइनस सेवन कॉमन आएगा, कुछ गड़बड़ किया क्या हम? इसको सेवन बना लो, माइनस सेवन बना लो, हाँ ये एरर लिख दिया, इसको माइनस सेवन बना लो, माइनस सेवन कॉमन आएगा एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, अब ठीक है, उसको माइनस सेवन कर देना, हम देते से मैं एरर कर दिया। अब लो एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस सेवन इक्वल जीरो, तो यहां से क्या होगा, इधर एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, टू एक्स माइनस सेवन इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू। किस किस के पास क्लास नाइन का बुक है या बेच दिया? है सर, वहां है ना मिडिल पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन है, वो प्रैक्टिस करके हमको भेजना, जिसके पास नहीं है हम भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट, अब दे दिया किसको, तो हम भेज देना पीडीएफ, टेंशन क्यों ले रहे हैं, देने कौन दिया तुमको बताओ, इतना क्या जल्दबाजी मांग रहा था तो बोल देगा। हाँ हाँ वेरी गुड दानवीर, चलो कोई बात नहीं, हम भेज रहे हैं, टेंशन मत लो, हम लोग खाली क्वाड्रिक का प्रैक्टिस करना है, क्यूबिक के सब का नहीं चाहिए भी। हाँ स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये चार उतार लो फटाफट, ये चार है हमको करके भेजना, ये क्लास नाइन का, ये उतार लो चार। भैया वो जो आपका क्वेश्चन था उसमें पास में वो अल्फा और बीटा करके नहीं करते, वो वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा, फिलहाल हम खाली मिडिल टर्म दिखा रहा है, कैसे जीरोस निकालता है वो हम लोग करेंगे, हम फिलहाल मिडिल टर्म ही सिखा रहा है ताकि डाउट ना रहे मिडिल टर्म में, वो लिखने का वेरिफिकेशन वाला पार्ट अलग तरीके से लिखना है।
वो तो ऊपर में हम रफली बताया था, फिलहाल खाली मिडिल टर्म में बता रहे थे मिडिल टर्म कैसे करना। मिडिल टर्म में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरोस निकालना ही गलत कर दिया तो फिर वेरिफिकेशन तो ऐसे ही गया। और जीरोस निकालना एक कॉमन है, क्योंकि अब ये जो मिडिल टर्म वाला पार्ट है ये तुम्हारा चैप्टर फोर में चाहिएगा, एपी में कहीं कहीं आ जाएगा, सर्विस में कहीं कहीं आ जाएगा। तो ये रूट्स निकालना जीरोस निकालना रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये एक बेसिक है, ये दूसरा दूसरा चैप्टर्स में आते रहेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको रूट्स निकालना ही नहीं आता या जीरोस निकालना ही नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ये चारों क्वेश्चन उतार लो फटाफट। होते ही बोलना ठीक है। उतार लिया ये तो भी उतारो। और डायरेक्ट फोटो भेजना सॉल्व करके, पीडीएफ नहीं बनाना। ये तो भी उतार लो। हाँ सर हो गया। ये तीसरा नंबर भी उतारो, इधर इतना तक ये सात क्वेश्चन हमको करके भेजना मिडिल टर्म। सर अभी ट्यूशन के बाद क्लास के बाद ऐसे नहीं होना। इसलिए जीरोस निकालना आसान होना चाहिए। तो सात का सात आज का जो हमको करके भेजना, संडे को टेस्ट है तुम लोग का चैप्टर वन का, तो जो हम एमसीक्यू का भेजेगा वो कल करने से भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, कल प्रैक्टिस कर लेना एमसीक्यू का। और हम बोल रहे हैं हम जो भी वर्कशीट भेज रहा है प्रिंट आउट पॉसिबल है तो निकाल के प्रैक्टिस सेट में पेस्ट कर लेना, और अदरवाइज पीडीएफ को अच्छे से फोल्डर में जमा रखना, क्योंकि एग्जाम का आगे प्रैक्टिस में काम आएगा। और एनसीईआरटी प्रैक्टिस इस तरह से हो जाना चाहिए जो एग्जाम का आगे एनसीईआरटी ना देखना पड़े, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ये याद रखना। पहले एनसीईआरटी में उतार लिया तीनों क्वेश्चन। हाँ सर। तो ये एनसीईआरटी बुक है, ये देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन पार्ट ऐसे किया हुआ है, पर हम ऐसे नहीं लिखवाएगा, मेरा थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है, हमको ये तरीका एकदम पसंद नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखवाएगा। क्यूबिक वाला हम लोग लास्ट में करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यूजली सेवा में तो चांस कम है, पर सीबीएसई में कभी कभी किसी सेट में डाल दे, हालांकि हम देखा नहीं है डालता हुआ, बट फिर भी हम करवा देगा, रिस्क नहीं लेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेगा, ये देखो 6 क्वेश्चन है, आई थिंक सेवा का बुक में ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है ना कृष्णा, क्या चाहिए? हम आज जो सात क्वेश्चन दिया वो अलग है, फिर ये 6 अलग है। तो कल जो सात क्वेश्चन दिया ठीक है, आज जो सात क्वेश्चन दिया वो सॉल्व करना, अगर वो हो जाता है तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन सिखा देगा, करने के बाद फिर ये सात क्वेश्चन का भी वेरिफिकेशन तुम लोग खुद से करके हमको भेजना है, वो हम कल बता देगा डिटेल में नेक्स्ट क्लास जो भी है, पहले हमको वो जीरोस का सॉल्यूशन करके भेजो, ठीक है, डन। अच्छा हम एक और बता देता नोट, तो देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस,
सॉरी अब दिख रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल हां शॉर्ट फॉर्म लिखा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज मान लो तुमको जीरोस पता है और पॉलीनोमियल निकालनी दिया तो उल्टा पहले हम लोग क्या था पॉलीनोमियल पता था जीरोस निकाला अब हम उल्टा केस देख रहे हैं अगर हमको जीरोस पता है तो पॉलीनोमियल क्या होगा इट इज देखो k into x square minus sum of zeros plus product of zeros यही होता है और ऐसे लिख सकता है x square minus sum of zeros plus product of zeros where k is any real number कुछ भी हो सकता है के कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अब हम लोग क्या बैठाएगा वो हम लोग एग्जाम्पल जब देखेगा पता चल जाएगा पर एक सिंपल एग्जाम्पल हम बताते हैं पहले ही उतार लो पहले ही उतार लो जब अल्फा एंड बीटा दो जीरोस है अगर हमको पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है तुम आराम से देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है देखो ये उतार लो फिर हम बताते ऐसा क्यों हो रहा है होता ही हमको बोलना ये सबका हो गया देख लो वेयर के इज एनी रियल नंबर हाँ के कुछ भी हो सकता है एनी रियल नंबर हो गया Done? अब देखो ऐसा क्यों है इसका कारण हम बताते हैं देखो और यार ना इक्वल टू जीरो नहीं है ये पॉलीनोमियल है इट इज एन एक्सप्रेशन तो यार इक्वल टू जीरो नहीं आएगा बहुत लोग गलती से इक्वल टू जीरो लिखते हैं अच्छा अगर तुमको याद है अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी बाई था और ये सी बाई था हाँ ना तो ये बन गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए अब सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है तो हम क्या करेगा k का वैल्यू a ले लेगा ताकि मेरा डिनोमिनेटर से a हट जाए मल्टीप्लाई करने पर अब ये मल्टीप्लाई करो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन गया हैंस देखो मेरा पॉलीनोमियल आ चुका अब तुम बोल सकते सर a लेना जरूरी है क्या नहीं तुम 2a लो 3a लो कुछ भी लो हम बस तुमको मेरा पॉलीनोमियल लाने के लिए तुमको दिखाया अब ये k का क्या महत्व है जो क्यों k का वैल्यू कुछ भी ले सकता why k can be any real number ये हम नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन कर देगा इस पार्ट के लिए छोड़ पर k क्यों है ये हम एग्जांपल के साथ ही बताएगा जो k क्यों देना जरूरी है ये हम एग्जांपल के साथ बता देगा एकदम छोटा छोटा चीज है और ये सबसे एमसीक्यू आता है ये के इंपॉर्टेंट है यार तो मैं ऐसे भी सोच सकता है के का वैल्यू क्या बैठाएगा जो भी मेरा डिनोमिनेटर में है या फिर अगर ऑप्शन दिया हुआ एमसीक्यू में चार तो के का वैल्यू वही होगा जो ऑप्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है के का वैल्यू वही होगा जो ऑप्शन में के का एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है हम लोग जब एग्जाम्पल करेगा तब देख लेगा एक बार इसमें माथा मत मारो हम बताएगा एग्जाम्पल के साथ हम एवरी डिटेल शेयर कर लेगा बस तुम लोगों को ध्यान और ये नहीं लिखना है ये लिखना नहीं है नो नीड टू राइट दिस ये समझाने के लिए तो ये हम बता दिया कि क्यों ये इक्वेशन ट्रू है तो हम यहाँ से इक्वेशन निकाल के दिखा आई मीन सॉरी यहाँ से पॉलीनोमियल निकाल के दिखा दिया तो ये फॉर्मूला ट्रू क्यों है ये तो हम डिराइव करके दिखा दिया हम उल्टा भी कर सकता था देखो तो हम उल्टा कैसे कर सकता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम ए कॉमन ले लेता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए अब इसको ऐसे लिखेगा प्लस का जगह माइनस ऑफ माइनस बना देगा और तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट ये फॉर्मूला बनेगा अब ए का जगह हम के क्यों बिठाया कि नेक्स्ट क्लास हम एक्सप्लेन करेगा
क्यू भी के का वैल्यू क्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये हम बताया करें इस क्लास। तो ये डिराइवेशन नहीं लिखना है, जस्ट एक्सप्लेन कर दिया क्यू फॉर्मूला ट्रू है, तुम लोग जस्ट फॉर्मूला ध्यान रखना। डन, कोई डाउट यहाँ तक? तो ठीक है फिर सोशल स्टार्ट करता है।